लीजिए पापा आपकी कॉफी। लाओ लाओ लाओ। बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है। गरम है आराम से। वाओ, मेरी बेटी जैसी कॉफी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो तो है, लेकिन एक जमाने में मैं भी बहुत टेस्टी कॉफी बनाया करती थी। तुम हो ही इतनी टेस्टी। हैं? मेरा मतलब है तुम आज भी उतनी टेस्टी कॉफी बनाती हो। आप भी ना, बेटी के सामने कुछ भी बोल रहे हो। क्यों, क्या हुआ श्रेया बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो। ना 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 ना, आप खाइए, मैं देखती हूँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ, चौंक गई मुझे देखकर? सिद्धार्थ बेटा आओ, अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं श्रेया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं ये एंगेजमेंट कार्ड दिखाने आया था। कैसा लगा डिजाइन? कार्ड पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, दूसरा बनवा लेंगे। नहीं नहीं कार्ड अच्छा है। चल 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 चल, हम लोग इस बंगले छुप जाते हैं। अरे उधर सब नहीं, यहाँ पर चल निकलते यहाँ से। अरे रुक रुक रुक, हम लोग सारा सोना यहीं पे गाड़ देते हैं जमीन में। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? मोहल्ले के लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है, और अगर कल हम यहाँ दोबारा आए तो यहाँ पकड़े जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। हम लोग सोना लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। और तू खतरों से कब से डरने लगा? अरे खतरों से नहीं, तेरी बेवकूफियों से डर रहा हूँ। देखना एक दिन तेरी सारी बेवकूफियाँ हमें ले डूबेंगी, समझा? तू बेवकूफ किसे बोला? सारा प्लान मैंने बनाया है। सारा प्लान तूने बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि जेल भेजने का प्लान भी तू बनाएगा, समझो? जरूरी नहीं है मैं तेरा सारा बात मानूं, समझा? सोना यही गाड़ेंगे, यही। अच्छा गाड़ के दिखा। अच्छा अरे ये तो कंकाल है। ऐसा दिमाग होता है इन मुजरिमों का, खून करके मन नहीं भरा तो डिजाइन बना दी हड्डियों की। सचिन, तुम दोनों एक काम करो, घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले, देखो कुछ ना कुछ मिलता है क्या। बस ये देखो, उस सिरफे रहने ये डिजाइन हाथ और पैर की हड्डियों से बना। ये देखो, ये पैर की हड्डी और ये हाथ की हड्डी। तो टांगों की हड्डियां अलग अलग लोगों की है? हाँ तारिका, अलग अलग इंसानों की है। बस मुझे लगता है कम से कम दो लोगों का तो खून हुआ है यहाँ पर।
सर। हाँ विक्रम। सर ये बाकी की हड्डियां मिल गई है, इन्हें यहाँ पे दफना के रखा गया था। एक एक हड्डी संभाल के उठाओ हैं? एक एक हड्डी ये देखो, तू ही जरा देखो घर के अंदर कहीं खून के निशान मिलते हैं क्या। जी सर, गांव वालों का कहना है कि 1984 में इस घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत की खबर आई वहां से, पूरी फैमिली समुंदर में डूब गई। अच्छा एक बात बताइए, ये उनकी मौत के बाद कोई घर का ख्याल व्याल रखने नहीं आया था? नहीं सर, दोस्तों और रिश्तेदारों को लगता था कि इस घर में कुछ आत्माएं हैं। आत्मा? अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे आत्मा देखी है क्या? जी सर, कुछ परछाइयाँ दिखती रहती हैं अक्सर। हाँ और कुछ ऐसी भयानक सी आवाज़ें भी आती है सर। हाँ कैसी कैसी भयानक सी आवाज़ें? सर कभी किसी के चीखने की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है। संखे, इन सारी हड्डियों को देखकर लगता है कि खून एक आदमी का हुआ है और एक औरत का भी। ये देखना, पेल्विक गर्ड, एक पेल्विक गर्ड किसी औरत की है। हाँ, लेकिन एक कमाल की बात है, इन सारी हड्डियों में किसी की भी खोपड़ी की हड्डी नहीं। हो सकता है खोपड़ियां किसी और जगह पे छुपा कर रखी हो या फेंक दी हो सकता है ना। मयूर विक्रम, काम करो, बंगले के आसपास का एरिया अच्छी तरह से छान और ढूंढो, देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, एक एक कोना भी मत छोड़ो। जाओ। यस सर। ये बंगला बंद ही रहता है? आप लोग आसपास रहते हैं? जी सर। ये घर मिला था तुम लोगों को? सूखा हुआ खून सर, ये टेप रिकॉर्डर और ये प्रोजेक्टर मिला। टेप रिकॉर्डर और प्रोजेक्टर, अरे सूखा हुआ खून, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत गहरा राज छिपा है इस बंगले के अंदर। सर सर, खोपड़ी तो कोई नहीं मिली मगर ये कार की चाबी मिली। कार की चाबी है ना, बड़ी अजीब बात, कार की चाबी है पर यहां पर कोई गाड़ी नहीं, एक आदमी एक औरत की हड्डियां हैं पर उनकी खोपड़ियां नहीं, तो है क्या ये सारा चक्कर और फिर किसने किया है ये? RAIMA से रायमा लिखा है सर। रायमा लगता है किसी लड़की का नाम है ये। सर कहीं ये उसी लड़की का नाम तो नहीं जिसका हमें कंकाल मिला है? हो सकता है। सर अगर वो दो चोर लुटेरे वहाँ बंगले में छुपने के लिए नहीं जाते तो हमें कहीं पता ही नहीं चलता कि वहाँ दो दो मुर्दे गड़े हुए हैं, और ये भी पता नहीं चलता कि वहाँ पे एक आत्मा है। न जाने कितने साल पहले ये जुर्म हुआ है। और ताज्जुब की बात ये है सर कि खूनी ने लाशों को गाड़ा नहीं बल्कि उनकी हड्डियों से ये डिजाइन बनाया, ये नाम लिखा रायमा। यहाँ पर से हमें कुछ चीजें भी मिली है ना, वो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर और कपड़े, इन तीनों चीजों से हमें खूनी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। ज्यादा देर खुला नहीं घूमेगा ये खूनी। सर हमने उन सब चीजों को रिपेयर के लिए भेज दिया है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हमारा शक सही था या गलत। और वो गाड़ी की चाबी जो हमें मिली थी, कीजो कार की चाबी। कीजो, अच्छा
तो फिर कीजो कार कंपनी से हमें पता चल सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये चाबी किस गाड़ी की है और ये गाड़ी आपसे खरीदी किसने? बिल्कुल बता सकते हैं, सबके इग्निशन पॉइंट में डालकर देखेंगे, फौरन पता चल जाएगा। आइए सर। ठीक है, ठीक है। उससे पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए। थैंक यू। देखिए सर, मैच कर गई। सर ये 2009 की कीजो एफएक्स मॉडल है और हमने इसे मरवाना बंद कर दिया है। कीजो एफएक्स 2009 मॉडल। आपके किसी कस्टमर ने कोई रिक्वेस्ट की थी ऐसी चाबी की, डुप्लीकेट चाबी बनवाने की? ये पता करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो ठीक है, आप पता कीजिए। तब तक हम ये पता करते हैं कि 2009 के कीजो एफएक्स मॉडल की कितनी गाड़ियां चोरी हुई थी। मिलिंद जी। जी सर। कुछ हो रहा है कि नहीं? सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर। नहीं सर, आत्मा नहीं है, ये तो गलती से फेडर खुल गया था। इतनी भयानक आवाज। हाँ, ये वही रिकॉर्डर है जो आप लोग लेके आए थे, उसी में से आवाज आ रही थी। सर, ये आत्माओं ने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया है। ये अपनी आवाज यूज नहीं करती है, इस टेप रिकॉर्डर में आवाज डाल के यूज करती है। पंकज, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई आत्मा हो ही ना, कोई इंसान ही ये सब खेल खेल रहा हो। मिलिंद जी। जी सर। आपको इस प्रोजेक्टर से क्या फुटेज मिला? हाँ सर, एक मिनट। हेलो रचना, तुम नीचे खड़ी हो? ओके, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर सॉरी सर, मुझे किसी काम की वजह से नीचे जाना पड़ रहा है। आप लोग ये रिमोट लीजिए ना, आप लोग फुटेज देखिए बस सर, जरा ध्यान से। ध्यान से क्यों? क्योंकि सर ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मैंने तो पहले कहा था सर, ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नहीं है? अरे आपको कब इतनी सी फुटेज मिली थी? हाँ सर, अभी तो यही फुटेज मिली है। अरे ये क्या कम है? पता नहीं एसीपी साहब क्या कहेंगे ये फुटेज देखकर। ए, आप उनसे ये मत कहना कि हम दोनों डर गए थे। सर मैंने तो उनको फोन करके सब कुछ बता दिया। हमारा अंदाजा सही निकला, ये खूनी इस प्रोजेक्टर के जरिए किसी को डरा रहा था आत्मा बनकर। सर हो सकता है कि इस फुटेज का उन मुर्दों के साथ कोई लेना देना ही ना हो। लोगों में ये अफवाह फैली है कि इस बंगले में आत्मा है, तो हो सकता है कि ये पूरी फुटेज किसी ने किसी के साथ मजाक करने के लिए बनाई हो। नहीं श्रेया, नहीं, इन दोनों चीजों का जरूर एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। ये डरावनी फुटेज उस खूनी के विकृत दिमाग में से ही निकली है। सर किसी को डराने या मजाक करने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। फुटेज में ये जो आत्मा है
इसे प्रोफेशनल तरीके से फिल्माया गया है, स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, जैसे फिल्मों वगैरह में होता है। और इस फुटेज को देख के लगता है सर कि खूनी को स्पेशल इफेक्ट्स का काफी ज्ञान है, या फिर हो सकता है उसने ये फुटेज किसी स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो में बनवाई। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हो सकता है। तो शहर में जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स के स्टूडियोज हैं सब में जाकर के पता लगाना पड़ेगा। आइए सर, ये बलविंदर है, वो गाड़ी की चाबी इन्हीं की थी। क्या बात है सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? हमें आपकी गाड़ी की चाबी मिली है। कहाँ से सर? उन्नति नगर बंगला नंबर 13। ये एड्रेस को जाना पहचाना लग रहा? नहीं सर। नहीं, रायमा नाम सुना है पहले कभी? बिल्कुल नहीं सर, मगर सर इसका मेरी गाड़ी से क्या लेना देना है? आपकी गाड़ी है कहाँ? सर वो तो कई सालों से गायब ही है। कब से? 5 जुलाई 2011। दरअसल मेरा टैक्सी का बिजनेस है, मेरी कंपनी का नाम है बलविंदर एंड कंपनी। मेरा ड्राइवर प्रीत उस दिन गाड़ी लेकर न जाने कहाँ गायब हो गया, तब से लेकर आज तक मेरी गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं है सर। और उस ड्राइवर का? अस्पताल से फोन आया था कि उसे वहाँ भर्ती किया गया है, मैं उसे वहाँ देखने गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी सर, आग लगने की वजह से उसका थोड़ा शरीर जल गया था। रहता कहाँ ये तुम्हारा ड्राइवर? सर आजकल वो मानसिक चिकित्सालय में है सर, वो बहुत गहरे सदमे में है। मानसिक चिकित्सालय, कौन से हॉस्पिटल में है वो? सर पूना से 50 किलोमीटर आगे एक स्टेट मेडिकल सेंटर है, वहीं पर है वो। स्टेट मेडिकल सेंटर। हाँ तारिका जी, कुछ बात बनी? सर चेक कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब मैं दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई? अरे सर आप तो सपने में भी दिखाई देते। हाँ सर आज सुबह ही सपना देख रहा था। जैसे ही मैं फॉरेंसिक लैब में आता हूँ आप इस केस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते कि शाम तक खूनी पकड़ा गया। विजीत तुमने सपना देखा? जी सर। और सपने में मुझे देखा? जी सर। ना, तुमने सपने में तारिका जी को देखा होगा? जी सर। हाँ? नहीं सॉरी सर, क्या कह रहे हैं सर आप भी? तो बताइए डॉक्टर साहब, इन कंकालों ने अपनी आप बीती बताई? हाँ थोड़ी बहुत बातें पता चली है। सबसे खास बात ये कि ये कंकाल वक्त के साथ कंकाल नहीं बने, खूनी ने इन्हें मारने के बाद तुरंत इन्हें कंकालों में बदल दिया है। मतलब खूनी ने इनकी खाल को एसिड से जला दिया है। माय गॉड, इतनी बेरहमी से मौत हुई इनकी। और ये जो कंकाल है ना, ये बी, ये कंकाल एक आदमी का है, इसकी उम्र 30 से 35 साल है और इसकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास। और ये जो हाथ पे उंगलियों में आपने निशान लगा रखा है ये क्या है? हाँ दरअसल इसकी उंगलियों में, इसकी कलाई पे मुझे बहुत कुछ टूट फूट दिखाई दी। मतलब ये आदमी अपने हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। शायद ये किसी ऐसे प्रोफेशन में होगा जहाँ हाथों का काफी इस्तेमाल होता है, या तो कोई मजदूर या फिर कोई आर्टिस्ट। और ये दूसरा कंकाल लड़की का, उसे क्या पता चला? दया इस लड़की की उम्र लगभग 30 साल, इसकी लंबाई 5 फीट 4-5 इंच है बस, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। और ये जो ड्रेस पे खून लगा इसका क्या? टेस्ट करने से पता चला कि ये खून नहीं, लमाइन रेड नाम का केमिकल है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर फिल्म, टीवी सीरियल्स और नाटकों में किया जाता है नकली खून दिखाने के लिए। तो इसका मतलब किसी ने पूरी तैयारी कर रखी थी ये बंगला नंबर 13 में किसी को डराने की। पकड़ा जाएगा वो खूनी भी और वो डराने वाला भी, अगर दोनों अलग अलग है तो। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा ये पता करने के लिए कि कंकाल कितना पुराना है? थोड़ा वक्त लगेगा दया, तुम तो जानते हो कार्बन डेटिंग में थोड़ा वक्त लगता है। गुड, अब गणित शुरू हो गई है, अब पता लग जाएगा दरअसल इन लोगों की मौत कब हुई थी। सर मुझे लगता है इन दोनों को एक साथ ही मारा होगा। छ
36 से 38 महीने पहले, मतलब 3 साल पहले, 2011 में मौत हुई इनकी, और उस बलविंदर की कार भी जुलाई 2011 को गायब हुई थी, बंगला नंबर 13 से। सर अब तक तो खूनी शहर छोड़ के भागे होगा, उसे ढूंढेंगे कैसे? भागने दो, कहां तक भागेगा, सीआईडी से नहीं बच सकता। Excuse me? जी सीआईडी से। हेलो सर, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। अच्छा, जो फुटेज हमने भेजी थी उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसको चेक किया मैंने, और उसके सारे स्पेशल इफेक्ट्स हमारे स्टूडियो में ही हुए थे, लगभग 3 साल पहले। गुड। उस फिल्म का नाम क्या था? सर फिल्म का नाम था आत्मा की चीख। हाँ, और सर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी। अधूरी फिल्म की फुटेज? सर वो फिल्म तो अधूरी थी ही, साथ में हमें हमारा पूरा पैसा भी नहीं मिला। कौन से बैनर की फिल्म थी ये? प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था? सर वो नए लोग थे, और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था, एक मिनट, हाँ सर उसका नाम था मैजिक मीडिया वर्क्स। मैजिक मीडिया बॉक्स। अब तो यही लोग बताएंगे कि इस आत्मा की चीख को लोग सुन के नहीं पाए। रिक की हालत भी पिछले 3 सालों में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। उस वक्त भी किसी लड़की की आत्मा के बारे में बात करता था, और आज भी करता है। सर लड़की की आत्मा? अच्छा, पिछले 3 साल में जितने भी लोग प्रीत से मिलने आए थे उनकी लिस्ट चाहिए हमें। हाँ, हैरानी की बात यही है सर, पिछले 3 सालों में इससे कोई भी मिलने नहीं आया, सिवाय मिस्टर बलविंदर के, जो इनके इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। बलविंदर? जी सर। ओके। प्रीत, ये सीआईडी ऑफिसर्स है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सीआईडी? ये सीआईडी क्या होता है? सीआईडी का मतलब है दोस्त, और प्रीत दोस्त किसे कहते हैं? जो अपना सुख दुख दूसरे दोस्त के साथ बांटता है ना? और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तो अब तुम हमसे तुम्हारे सुख दुख बांटोगे, बांटोगे ना? ठीक है दोस्त। देखो प्रीत, अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा, कुछ पूछूंगा, इन सब चीजों का बड़े शांत दिमाग से मुझे जवाब देना। याद करो, जुलाई महीना 2011, तुम उस रात बंगला नंबर 13 में गए थे दो लोगों को लेकर। जुलाई? हाँ। 2011, बंगला नंबर 13? बंगला नंबर 13, क्या हुआ था वहां पर? तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। रायमा ने भेजा ना तुम लोग को मुझे मारने के लिए? रायमा ने भेजा ना? नहीं नहीं, रायमा ने नहीं भेजा है, हम लोग दोस्त हैं तुम्हारे। हाँ पक्का? बिल्कुल पक्का, रायमा ने नहीं भेजा है हमें। अब बताओ क्या हुआ था उस रात उस बंगले में, हा? बंगला नंबर 13। एक आदमी और औरत ने पैसे दिए थे मुझे उन्हें वहां ले जाने के लिए। ये क्या, रायमा चीख रही है, रायमा चीख रही है, मुझे मार देगी, मुझसे बदला लेना चाहती है, रायमा तुम्हारे पीछे। ये बात करने की स्थिति में नहीं है अभी, आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, दो मिनट और। सॉरी, मैं आपके केस के लिए मैं अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, मुझे मार देगी, मुझसे बदला लेना चाहती। अभिजी, एक बात तो पक्की है कि उस रात प्रीत बंगला नंबर 13 में एक आदमी और एक औरत को लेकर गया था, और हमें जो कंकाल मिले हो शायद उसी आदमी और उस औरत के हो। हाँ सर, ये आत्मा वाला ड्रामा करके उनको डराया, मार डाला, फिर सर अलग कर दिया ताकि पहचान ना हो सके। सर ये प्रीत बार बार रायमा आ रही है ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं रायमा जिंदा तो नहीं? इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा कि प्रीत की बातों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस रायमा का इस केस के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस रायमा की कुंडली निकालो। रायमा, ये फुटेज आपको जिस बंगले से मिली वहां खून हुए? जी हाँ, दो खून। वैसे ये फिल्म की फुटेज आपकी है ना? जी हाँ। क्या बताऊं सर, बड़ी ही मनहूस फिल्म थी, 10 सीन ही शूट किए थे फिर फिल्म बंद हो गई।
और बंद होने के बाद इस फिल्म के सारे राइट्स मैजिक मीडिया बॉक्स के पास आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना मिस्टर आलोक? अब इस तरह के फुटेज तो हमारे पास काफी पड़े रहते, अब पता नहीं ये फुटेज उसके हाथ कैसे लग गए। मतलब आप भी मानते हैं ये फुटेज गलत हाथों में लग गए, जिसका उसने गलत फायदा उठाया और दो दो खून किए? शायद कोई बाहर वाला हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अंदर वाला भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा काम करने के लिए अंदर वाले के लिए कोई आसानी ज्यादा होती है। वैसे इस फिल्म पे आप लोग क्या क्या काम कर रहे थे? सुनील राइटर था, आलोक डायरेक्टर, और मृणाल कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और आप प्रोड्यूसर राइट? जी। आप में से कोई रहीमा को जानता है? रहीमा हमारे फिल्म की हीरोइन थी। सर आप कैसे जानते हैं रहीमा के बारे में? आप एक काम कीजिए मिस्टर आलोक, आप अपनी फिल्म की हीरोइन रहीमा को यहाँ बुला लीजिए। वो एक्चुअली कई साल पहले रहीमा एक हादसे में आग में जलकर मर गई। मर गई? अच्छा, रहीमा की कोई तस्वीर या फोटो? रणाल फोटो ले आओ। जी सर। एक मिनट, अभी आपने कहा कि वो जल के मर गई, लेकिन कैसे? ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, क्योंकि उसके और हमारे बीच तनाव हो गया था। और वो क्यों? वो एक्चुअली हम रहीमा को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाह रहे थे, पर बाद में हमने अपना इरादा बदल लिया और स्मृति को हीरोइन ले लिया और रहीमा हो गई साइड एक्टर। तुम मेरी जगह ये छिपकली को हीरोइन बनाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रहीमा तमीज से बात करो, मैंने तुमसे कहा ना अगली फिल्म में तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा, इस फिल्म के किरदार के लिए तुमसे बेहतर स्मृति। अच्छा, ये बात पहले क्यों नहीं सोची जब मुझे फाइनल किया था? ये फिल्म इंडस्ट्री है रहीमा, यहाँ किसकी किस्मत कब यू टर्न मार जाए कोई नहीं कह सकता। ये फिल्म मेरी किस्मत में थी, मुझे मिल गई। इंतजार करो, सिर्फ इंतजार, एक दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी दिशा में चली जाएगी जिसका अंत गहरी खाई में होगा, समझे तुम? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी ही समझ लेना। रहीमा रुको, रहीमा। सूरज गया था रहीमा को मनाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक हफ्ते बाद खबर आई कि एमजे स्टूडियो में आग लगी है और रहीमा की मौत हो गई। मुझे अफसोस है, अगर रहीमा हमारी फिल्म की हीरोइन होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती और आज वो जिंदा होती। आलोक जी आप एक काम कीजिए, आप अपनी फिल्म की नई हीरोइन स्मृति उनको यहाँ बुलाइए जरा। मैंने उसे कॉल किया था, उसका फोन लगा नहीं, और आर्ट डायरेक्टर विराज का भी वो फोन डेट बता रहा था। विराज और स्मृति से मिलना पड़ेगा। सर ये रहे फोटो। ये है रहीमा। रहीमा ने स्मृति को धमकी दी, उसके बाद रहीमा खुद मारी गई। तो फिर ये खून कर कौन रहा है? इसका जवाब तो अब विराज और स्मृति से मिलकर ही पता चलेगा। मैंने पता किया, ये विराज और स्मृति इस ब्लू रोज प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं। गुड निकल, इससे पूछते हैं। अरे सुनिए भाई साहब। जी। ये विराज शंकर है, आर्ट डायरेक्टर, काफी टीवी में और फिल्मों में सेट लगाए हैं इन्होंने, इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। जी आगे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। जी आप विराज शंकर को जानते हैं? विराज शंकर? हाँ सर मैं जानता हूँ, वो बेचारे बहुत कर्जे में थे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ उनका। कोई एड्रेस, कोई पता? सर इस बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन उनका ऑफिस कहीं अंधेरी में है। अच्छा ये फोटो को ध्यान से देखिए, स्मृति ये फिल्मों में काम करती है, पहचानते हैं आप इन्हें? जी हाँ, इनकी बंद फिल्म के बाद इनको कोई प्रोड्यूसर फिर से रिलॉन्च करना चाहते थे, लेकिन सर ये पता नहीं क्यों बदकिस्मती से ये 2011 में अमेरिका चली गई और उसके बाद फिर लौट के आए हैं। ये स्मृति का कोई अता पता जहाँ उनसे मिल सकते हैं? हमें तो नहीं पता, पर उस एजेंसी पर उसका पुराना एड्रेस होगा जहाँ पर उन्होंने चमकार वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन किया था। ठीक, थैंक यू। सारे एजेंसी से स्मृति के घर का पता निकलवाते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से रहीमा इसी एमजे स्टूडियो में जलकर मरी है। पता नहीं काबिल, लेकिन ये बात इतनी सीधी है नहीं जितनी की लग रही है। जैसा कि फाइल में लिखा हुआ है,
कि स्टूडियो में आग लगी रात के 2 बजे। ये रहीमा स्टूडियो में 2 बजे करने क्या आई हो, जबकि यहाँ शूटिंग भी नहीं चल रही थी। सही कह रहे हो सचिन, लेकिन एक बात है जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, वो ये कि यहाँ रात 2 बजे आग लगी तो सुबह 5 बजे तक किसी को पता क्यों नहीं चला, और रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ आग 5 बजे लगी। जिन पुलिस वालों ने इस केस की तहकीकात की थी उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ की है, तभी तो केस के 2 महीने के बाद उनका ट्रांसफर यानी कि तबादला हो गया था। हो सकता है निखिल, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ रायमा की एक हड्डी तक नहीं मिली, मतलब आग इतनी भयंकर थी। स्टूडियो को देख के ऐसा लगता नहीं कि आग इतनी भयानक होगी कि चलने वाले का नामो निशान राख हो जाएगा। उससे भी अहम बात यह है कि यह स्टूडियो इस्तेमाल में नहीं था, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही थी, फिर रायमा यहाँ पे आई क्यों? इसका पता तो तभी चलेगा जब हम इस स्टूडियो को अच्छी तरह से छान मारेंगे। देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो जली हुई गन। हाँ ये तो पूरी पिघल चुकी है, पुलिस वालों ने लगता है अपना काम ठीक से किया नहीं, देखा नहीं इसे पहले। भी हो सकता है कि रायमा ये गन किसी को मारने के मकसद से लाई हो, या फिर हो सकता है कि कोई रायमा को मारने के लिए लाया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, जरूर कुछ है यहाँ, देखते हैं और क्या मिलता है। सर कंकाल। एक मिनट, लेकिन जरा संभाल संभाल करण, शीट लैंप। एक बार कंकाल, वो भी पूरी तरह से जला हुआ। बॉस इसकी पेल्विक गर्डल से पता लगता है कि ये कंकाल किसी लड़की का है। सर कहीं ये कंकाल रायमा का तो नहीं है? और इसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच और रायमा की लंबाई 5 फुट 3 इंच। इससे साफ पता चलता है कि ये कंकाल रायमा का नहीं बल्कि किसी और का है। केस सुलझने की बजाय और उलझता चला जा रहा है। एक बात और, हम लोगों को यहाँ जली हुई गन जरूर मिली है, लेकिन इस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, इस लड़की की मौत जलने की वजह से ही हुई है। देखो ढूंढो और कुछ मिलता है क्या। सर सर ये देखिए सर, बाल बाल। ओ, सर ये तो इसी लड़की का बाल लगता है, या तो मरने वाली का या फिर रायमा का। ये किसका बाल है ये तो डीएनए के बाद ही पता चलेगा। सर ये अरुण है, विराज जी के वर्कशॉप के इंचार्ज। जी आपको कुछ बनवाना था? जी हाँ, हथकड़ी बनवानी है। हथकड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ अपनी बनाई हुई हथकड़ी खुद अपने हाथों में पहनेंगे तो थोड़ा दुख कम होगा। अब समझ में आया, इतने सालों के बाद ख्याल आया आपको कर्ज के रूप में होगा। कर्ज के रूप में? हाँ इसीलिए तो आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पाए। नहीं मैडम, हमारा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। विराज को बुलाइए, कहाँ है वो? ये तो कोई भी नहीं जानता, कर्जदारों से परेशान होकर आज से 3 साल पहले जुलाई 2011 में ना जाने कहाँ गायब हो गए। जुलाई 2011? सर 5 जुलाई 2011। सर मुझे लगता है कि इस विराज के भागने की वजह कर्जा नहीं कुछ और है, जिसका कुछ ना कुछ संबंध उन कंकालों के साथ जरूर है। मुझे तो लगता है उनमें से एक कंकाल विराज का है। याद है सारों के साहब ने कहा था आदमी वाला कंकाल किसी मजदूर या आर्टिस्ट का है जिसने जिंदगी भर अपने हाथों से बहुत काम लिया है। और हो सकता है सर शायद वो दूसरा कंकाल स्मृति का हो। ये विराज के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? सर जहाँ तक मुझे पता है
उनके परिवार में कोई और है ही नहीं। विराज अकेले ही थे? जी सर। चीज मिल जाती डीएनए सैंपल के लिए तो कंकाल वाला राज खुल जाता। ये सारी पेंटिंग उन्हीं की है ना? जी सर। देखो जरा। सर थंबप्रिंट, ये विराज का है? जी हाँ सर। और ये थंबप्रिंट ही नहीं, ये पूरी पेंटिंग सर ने अपनी उंगलियों से बनाई है। फिंगर पेंटिंग? इतना तो काफी है डीएनए टेस्टिंग के लिए। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अच्छा अच्छा, आइए आइए। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। दरअसल बात ये है कि हम सुमृति के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आप बता सकती हैं कि स्मृति का आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है? नहीं, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। अब बची है तो ये बूढ़ी दादी, बहुत ही प्यार से पाला है मैंने तुझे। ये स्मृति अचानक अपना फिल्मी करियर छोड़कर अमेरिका क्यों चली गई? वो कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, हमेशा अपना मन का करती थी। उस दिन भी उसके मैनेजर का फोन आया, कह रहा था कि मैडम किसी विज्ञापन की शूटिंग के लिए अमेरिका जा रही है। उसके मैनेजर से मैंने पूछा कि कब वापस आएगी वो, तो उसने कहा 3-4 दिनों में, लेकिन पूरे 3 साल हो गए, अब तक उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। कब कब की बात है ये, कुछ याद है आपको? कैसे भूल सकती हूँ, 5 जुलाई 2011। सर वो कंकाल भी 3 साल पुराना है सर, कहीं वो। सर कम से कम इतना तो पता कर लो, मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या, कहीं वो इस दुनिया में आए भी या नहीं। जब तक इस राज का बोझ मेरे दिल पर रहेगा, मैं इतना चैन से जी पाऊंगी ना मर पाऊंगी। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं कि सच क्या है इसका हम पता लगा लेंगे। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ डॉक्टर सर, डीएनए की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, पेंटिंग पर जो सूखा हुआ सलाइवा मिला था वो सलाइवा ये बताता है कि वो आदमी वाला कंकाल विराज का ही। और हमने स्मृति की दादी का भी डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पक्का हो गया कि बंगलो नंबर 13 में जो कंकाल मिला था वो स्मृति का है। इसका अंदाजा तो हमें हो ही गया था, अब इस केस में हमें आगे ले जाएगा ये तीसरा कंकाल जो एमजी स्टूडियो में जला हुआ मिला था। इस कंकाल से कुछ पता चला? हाँ, इस जली हुई लड़की का कंकाल विराज के कंकाल और स्मृति के कंकाल दोनों से ज्यादा पुराना है। और ऐसा लगता है कि इस लड़की को सिगरेट पीने और तंबाकू खाने की बुरी आदत थी, क्योंकि इसके जबड़ों से हमें तंबाकू के अंश मिले। और वो बाल इसी जली हुई लड़की के हैं? नहीं, वो बाल ना तो इस जली हुई लड़की का है ना ही स्मृति का है। सर कहीं ये बाल रायमा का तो नहीं है? सर इस केस की सुई घूम फिर के रायमा पर आकर अटक गई। पता लगाना पड़ेगा रायमा के साथ आखिर हुआ क्या था। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीआईडी ने एक और खूनी को पकड़कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके नाक के नीचे से कोई भी मुजरिम बच के निकल नहीं सकता। इस बार पकड़ी गई है बंगलो नंबर 13 में हुए खून की हत्यारी रायमा। एक मिनट प्लीज प्लीज। सर क्या ये बात सच है कि आप एक बाल के जरिए रायमा तक पहुंच गए? देखिए इस वक्त हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, जल्दी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब आपको सब बता देंगे। ओके ठीक है, चलिए हटिए, जाने दीजिए। चलो रायमा जी, आपने उन मासूम लोगों को क्यों मारा, क्या वजह थी इसके पीछे? रायमा जी, रायमा जी प्लीज पीछे हटिए। रायमा जी पकड़ो उसे, अब खून ही पकड़ेगा इसे।
बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आ जाओ। ये कहानी इसी घर से शुरू हुई थी और खत्म भी इसी घर में होगी, आज ही। छुपने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ। सुना तुमने? बहुत हो गया नकली रामा बनने का नाटक। पर कम ऑन मूव। कौन हो तुम? सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। सीआईडी? मैं और राइमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब हीरोइन का रोल राइमा की जगह प्रीति को मिला तो तुम्हारे दोनों कानों से धुआं निकलने लगा है? हाँ, हम प्रीति को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए हमने उसके अतीत के बारे में रिसर्च शुरू की। राइमा को पता चला कि एक्ट्रेस बनने से पहले स्मृति ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी थी। इसलिए रायमा ने स्मृति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्यों? स्मृति को लगा कि उसका करियर खत्म होने वाला है, उसके रीलॉन्चिंग के सपने पर पानी फिर जाएगा, इसलिए उसने और उसके बॉयफ्रेंड विराज ने एक किलर को रायमा की सुपारी दी। यह तो अच्छा हुआ कि उस किलर की गोली से रायमा नहीं मरी, बल्कि वो अपराधी खुद उस आग में जलकर मर गई। विराज, स्मृति, कहाँ हो तुम दोनों? कौन हो तुम? जिया। जिया? कौन जिया? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम्हें अकेले में तोहफा दे सकूं। हाँ, स्मृति और विराज को ब्लैकमेल करने का तोहफा। क्या कर रही हो तुम? सुना है आग से जलकर मरने में बहुत दर्द होता है। आग? छोड़ो मुझे, प्लीज, गोली मत चलाना। मौत से बचकर कहाँ भाग रही हो? मौत से तो आज तक कोई नहीं बच पाया। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, गोली मत चलाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कोई आखिरी ख्वाहिश? रायमा, रायमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रायमा, अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सब फाइनल गुड बाय। रहीमा, उसका क्या हुआ? जिंदा लाश बन गई वो, तब मैंने ठान लिया अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, स्मृति और विराज की बर्बादी। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि रायमा जिंदा है, इसलिए वो लोग यहां आए उस ड्राइवर को लेके जिसने एमजे स्टूडियो में आग लगाई थी। और फिर तुमने उन्हें डराना शुरू कर दिया, उनके दिमाग में यह भ्रम पैदा कर दिया कि यहां पर रायमा की आत्मा अभी भी है जो उनसे बदला लेना चाहती है। हाँ, और फिर उन्हें मार डाला और उनका सिर काट के अपने साथ ले गए, ताकि अगर कभी उनकी लाश मिलती भी है तो उन्हें कोई पहचान ना सके। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। अगर कानून की मदद लेते तो उन दोनों को वैसे ही सजा होती, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया, उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। रायमा, उसका क्या, कभी सोचा तुमने?
बेचारी की जिंदगी का फैसला तो अब कानून करेगा, लेकिन तुम्हारा फैसला तो हो ही गया समझ लो, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या लेके आई हो? सर ये आप सबके लिए मिठाई है और मेरी एंगेजमेंट के इनविटेशन कार्ड्स है। अब तारीख पक्की होगी? जी सर, 28 सितंबर। अच्छा, दो हफ्ते बाद ही है, काफी तैयारी करनी होगी आपको तो। सर ज्यादा कुछ तैयारियां करनी नहीं, सिद्धार्थ को भी मेरी तरह एक छोटा सा ही फंक्शन चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन श्रेया। थैंक यू सर। चलो मुंह मीठा कराओ। हाँ श्योर। ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। ओह सर आप लोग भी लीजिए ना। थैंक यू सर। लो फ्रेडी मुंह मीठा करो। रहने तो मीठा खाने का मन नहीं है मेरा। अरे फ्रेडी एक लड्डू से कुछ नहीं होगा, लो ना। सर प्लीज। ये हुई ना बात पूरी। तुम ही लो श्रेया। नहीं सर थैंक यू, लेकिन आप सबको जरूर आना है। ये भी कोई पूछने की बात है श्रेया, हम सब जरूर आएंगे, है ना सर? सर आप आएंगे ना? जरूर आऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।